महा उपवास काल के प्राचित्य कार्यों में लगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम चिंतन करें संत योहान का सुसमाचार अध्याय 19 अनुवाक्य 26 पर, जो कि प्रभु के अंतिम 7 वचनों में से तीसरा वचन है, मारी यह है तेरा पुत्र। दरअसल योहान का सुसमाचार का 19वां अध्याय बहुत ही विशेष है, जो प्रभु के क्रूसमरण और अंतिम क्षणों का वर्णन करता है। संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम देखते हैं कि अपने कार्य के शुरुआत करते हुए यीशु घोषणा करता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है ताकि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, अंधों को दृष्टि का दान दूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष की घोषणा करूं। प्यारे मित्रों, जरा सलीब की ओर अपनी नजरें लगाएं। जो प्रभु यीशु मानव के उद्धार के लिए इस धरती पर आया, जिसने अंधों को दृष्टिदान प्रदान की, वो अब सलीब पर मृत्यु से जूझ रहा है। जिस प्रभु ने कोढ़ियों को चंगा किया, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया, भूखों को खिलाया और पद्धुलितों का साथ दिया, वो प्रभु यीशु आज आकाश और पृथ्वी के बीच 3 किलो में टांके हुए प्राण पीड़ा सह रहा है, जिसने बहुतों के साथ दी, बहुतों के इज्जत बचाई, वो प्रभु आज विवश होकर, विवस्त्र होकर, सबसे परित्यक्त और तिरस्कृत रूप में मृत्यु से लड़ रहा है। देखने वाले सभी उसकी हंसी उठाता था, हर कोई उसकी अवहेलना करता था और ठोके जाने से अपने पिता के हाथों अपनी आत्मा को सौंपते हुए मरने के क्षण तक यीशु ने जो दुख सहा, जो दर्द उसने अनुभव किया, वो बहुत ही भयानक है। कितना मर्म भेदक था उसका क्लेश और कितनी वेदनापूर्ण थी उसकी आहें। इस यातनापूर्ण अवस्था में भी यीशु ने अपने दायित्व को नहीं भूला, अपनों को नहीं त्यागा। कलवारी के क्रूस पर टांगते हुए भी यीशु ने देखा कि क्रूस के नीचे अपनी मां खड़ी है और उसके पास अपने प्रिय शिष्य योहान। यीशु ने अपनी माता से कहा, नारी यह तेरा पुत्र, और योहान से ये तेरी मां। पवित्र ग्रंथ कहता है कि उसी क्षण से उस शिष्य ने यीशु के मां को अपने यहां ले ली। प्यारे भाइयों और बहनों, प्राण पीड़ा सहते हुए भी यीशु अपनों की ख्याल रखता है। वो जानता था कि उसके मृत्यु के पश्चात उसके शिष्य बिखरे जाएंगे, उसकी मां निराधार होगी और उसमें विश्वास करने वाली छोटी सी झुंड तितर बितर हो जाएगी। यीशु नहीं चाहता था कि ये ऐसा हो जाए, इसलिए यीशु अपने अंतिम क्षण में एक नई रिश्ता जोड़ देता है, एक विशेष ऐसा संबंध शुरुआत कर देता है, एक दूसरे को आधार देने का, एक दूसरे की ख्याल करने का, एक दूसरे के लिए जीने का एक नई शुरुआत यीशु कर देता है। यीशु अच्छी तरह जानता था कि जिस मां ने बचपन से उसके पालन पोषण किया, वो मां कलीसिया को अपने आंचल तले संभालेगी। समाज में अक्सर माना जाता है कि खून की रिश्ता बहुत शक्तिशाली होती है और यह सच भी है, लेकिन यह भी सच है कि केवल खून से ही रिश्ता नहीं बनती। अगर बनती तो आज इतने सारे परिवार टूटते बिखरते हुए नहीं नजर आते। वास्तव में रिश्ता बनती है भावनाओं से, रिश्ता बनती है पारस्परिक प्रेम और सेवा भाव से, रिश्ता बनती है क्षमा देने और मांगने के साहस से, और रिश्ता बनती है आत्मत्याग से। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने अपने आत्मत्याग के द्वारा हम मानवों के साथ एक चिरकालीन
रिश्ता जोड़ दी। आज के वचन द्वारा यीशु हमें पारिवारिक जीवन के और भी संकेत करता है। क्रिस्तान जीवन तभी अर्थपूर्ण होगा जब हम अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएं, जब हम एक दूसरे को आधार बने, जब हम एक दूसरे की ख्याल रखें और जब हम अपने परिवारों में और समूहों में प्रेम, शांति और सेवा भाव बनाए रखें और एक दूसरे का आधार बनने के साहस करें। माता मरिया जो हम सबकी ख्याल रखती है, अपने आंचल के साये में हमें संभालती है, क्रिस्तान जीवन जीने में हमेशा हमारी अगुवाई करें। हम प्रार्थना करें।